अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल कलरफुल मिस्ट्री। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरे चैनल का इंट्रो कि इस पे आप हर किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं। एमडी कैट, नर्म्स, मेडिकल कैडेट, पेइंग कैडेट, एएफएनएस, इसके अलावा मोटिवेशनल या एमडी कैट स्टडी टिप्स के बारे में वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ सिटी से होते हैं और सरगोधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हॉस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ का सिस्टम कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, रूम्स कैसे हैं, किस तरह का निज़ाम है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उनके हॉस्टल्स दिखाऊंगी। वैसे तो 4-5 हॉस्टल्स हैं लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे एक हॉस्टल। यहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्री करते ही आपको कैफेटेरिया नज़र आएगा। कैफेटेरिया पे ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ये कैफेटेरिया हॉस्टल्स के अंदर है। यहाँ पर आपको जूस, बर्गर्स, बिस्किट्स, स्नैक्स, स्टेशनरी, इस किस्म की तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल होगी। इसके लिए आपको बार बार हॉस्टल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आप देख सकते हैं 2-3 यहाँ पे गार्डन्स हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, स्विंग्स लगे हुए हैं और बेंचेस लगे हुए हैं जहाँ पे बच्चे शाम को बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो है फातिमा हॉल और जो लेफ़्ट पे बिल्डिंग है वो है आयशा हॉल। मैं आपको अंदर से टूर करवाने वाली हूँ आयशा हॉल का, इंशाल्लाह फातिमा हॉल का बहुत जल्द अगर आप चाहेंगे तो वो भी टूर अपलोड कर दिया जाएगा।